हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 5, घाटात घाट वरांदा घाट। और ये लिखा है महेश तेंडुलकर इन्होंने, जो कि प्रसिद्ध लेखक है। त्यांची बंच ट्रेकिंग सात पन्नाळा ते विशाळगडची, सात शिवकालीन दुर्गांची, शिलालेखांच्या विश्वात, गड मंदिरावरील द्वारशिल्प, भटकंती कुडाळ वेंगुर्ल्याची, भटकंती अनलिमिटेड, किल्ले जिंजी, किल्ल्यांच्या दंतकथा, अशी ऐतिहासिक माहितीपर पुस्तके, गोव्यातील पर्यटन हे प्रवास वर्णन इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि जो ये लेखक है, इन्हें शिवाजी महाराज के काल के जो भी किले है या फिर उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें अच्छा लगता है, और उनके ही बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा बुक्स लिखे हुए हैं। तो इस लेसन में हमें क्या दिया है, प्रस्तुत पाठात सह्याद्रीमधील वरांदा घाट, वरांदा घाटाची वैशिष्ट्ये व तेथे घेतलेले अनुभव लेखकाने मांडले आहेत। तो इस लेसन में आपको दिया है कि जो वरांदा घाट है सह्याद्री में जो आता है, तो उसके बारे में या फिर वहाँ पे जाके आपको किस तरीके से फील होगा, वो सारे अनुभव आपको लेखक ने इस लेसन में दिए हुए हैं। हा पाठ भटकंती अनलिमिटेड या पुस्तकातून घेतला आहे। जिन लोगों को घूमना फिरना पसंद होता है या फिर ट्रेकिंग करना पसंद होता है, तो उनके लिए वरांदा घाट जाना कितना अच्छा होगा या फिर वहाँ पे किस तरीके का अनुभव आपको आ सकता है, यही उन्होंने इस लेसन में बताया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पिक्चर दिया है, घाट में आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े हिल्स माउंटेन्स में जो छोटे से रास्ते होते हैं उन्हें कहा जाता है घाट। तो ये वरांदा घाट जो कि सह्याद्री में आता है उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले तो पिक्चर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। ज्येष्ठ महीना शुरू झाला। ज्येष्ठ महीना मीन्स क्या कि मराठी महीने जो होते हैं उनके नाम आपको पता ही होंगे, तो उसमें ज्येष्ठ महीना जब शुरू हो जाता है तब बारिश भी थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है। पावसाचे वेद लागतात मीन्स क्या कि बारिश तब शुरू हो जाती है। सोसाट्याचा वारा आणि पहिल्या पावसांच्या सरींची वार्ता पसरवणारा मातीचा सुगंध। तो आपने भी ये देखा होगा कि जब बारिश होती है, पहले जब बारिश होती है तो मिट्टी की जो सुगंध आती है वो काफ़ी अलग ही होती है। हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतं, तरीही ते दरवेळी नवीन वाटतं। हर साल बारिश आती है लेकिन फिर भी हर साल जब बारिश आती है तो हमें नया लगता है, अच्छा लगता है। बालपणी बेफाम होऊन एग एग सरी माझे मडके भरीच्या तालावर पावसात चिंब चिंब भिजणं आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणं। तो आपने भी ये किया होगा, बारिश के जो भी गाने आपको आते हैं बचपन में देखिए सारे लोग बोलते हैं। उसके बाद जब बारिश में भीगना बच्चों को काफ़ी पसंद होता है लेकिन इसके कारण मम्मी पापा से मार भी खानी पड़ती है। आजी आजोबांकडून कागदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाची आतुरतेनं वाट पाहणं। तो छोटे बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, जो कि पेपर की बोट वगैरह बनाते हैं, जहाँ पे पानी जमा हो जाता है वहाँ पे वो खेलते हैं। अशा कितीतरी आठवणी घेऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो, पण मोठं झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगांचे अर्थ उमगू लागतात। कारण क्योंकि देखिए, जब हम लोग छोटे होते तो हमें सिर्फ इंद्रधनुष देखना ही अच्छा लगता है, लेकिन उनके कलर या फिर क्यों आता है इंद्रधनुष ये सब पता नहीं होता है। लेकिन बाद में जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हर एक अर्थ का हमें मीनिंग समझ में आता है। बरसण्याचा अर्थ कळू लागतो आणि हुरहुर तळमळ अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो। पावसाच्या आगमनाने गतकाळातील ते क्षण पुन्हा जिवंत होतात। जब भी बारिश आती है तो बारिश से रिलेटेड जो भी आपकी मेमरीज होती है वो ताज़ा हो जाती है। जैसे कि अगर आप छोटे थे, आप कभी बारिश में खेले, मम्मी ने बहुत ज़्यादा मारा होगा, तो आपको वो याद आ जाता है हर बार जब भी बारिश आती है। डोळ्यांसमोर येऊ लागतात आणि कधी कधी पापड्यांमधून अलगतपणे वाहून जातात। जो भी जिसका भी जो भी एक्सपीरियंस होगा बारिश के बारे में, जब भी बारिश आती है हमें वो याद आता है, और जिसके कारण हमारे आँखों से आंसू अपने आप निकल जाते हैं। मग डोळ्यातला कोणता आणि बाहेरचा कोणता तेज कळत नाही। और इसीलिए अगर आप बारिश में खड़े हो जाओगे तो फिर हमारे आँखों का पाणी कौन सा है और बारिश का पाणी कौन सा ये समझ में ही नहीं आएगा। असं बरंच काही अनुभवायचं असेल तर वरांदा घाट गाठलाच पाहिजे। तो ऐसे जिनको पसंद है घूमना फिरना पसंद है और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो लेखक का कहना है कि आपको वरांदा घाट जरूर आना चाहिए। पुण्याहून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगांची झाडे पाहत पाहत पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एन्जॉय करत करत प्रवास सुरू असतो। देखिए, जिनको ये सारा एक्सपीरियंस लेना अच्छा लगता है वो लोग हमेशा बारिश में घूमने के लिए जाते हैं, और ऐसे जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे नेचर हो, हरी भरी झाड़ियाँ हो, पेड़ पौधे हो, जो देख कर आपको अच्छा लग सकता है। तो ये वरांदा घाट बिल्कुल वैसा ही है कि जहाँ पे आपको टिपिकल जो भी बारिश के दिनों का मौसम जो होता है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो।
तो बंदिस्त गाडी सुक्याने करण्यात जितकी मजा असते त्यापेक्षाही जास्त दोन चाकीवर अंग भिजवत करण्यात असते, क्योंकि कुछ लोगों को भीगना पसंद नहीं होता है, सिर्फ बारिश को देखना होता है या फिर जो भी नेचर होता है उन्हें देखना होता है, तो वो फोर व्हीलर से जा सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि अगर हम दोन चाकी मीन्स क्या कि जो बाइक होती है उस पर बैठ के अगर आप जाओगे बारिश में, तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा होता है। पावसाचं पाणी अंगावर घेत आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या अंगावर उडवत बेफाम वारा छातीवर झेलत आवडती गाणी गुणगुणत पावसाळी प्रवास करण्यातील मजा तर काही औरच असते। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस लेना काफ़ी अच्छा भी होगा कि बारिश में आप गाड़ी पे बैठे हो, बारिश आ रही है, हवा चल रही है, आप गाने गा रहे हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। असा शरीर गारठवणारा आणि मनाला उभारी देना प्रवास कधी संपूच नये असे वाटते, पण पाहता पाहता मैलांचे दगड मागे पडत जातात आणि आपण येऊन पोहोचतो ते वरंदा घाटात। अभी उन्होंने बताया है जो कि वरंदा घाट है उसके बारे में। घाटात घाट, वरंदा घाट, बाकी सब घाटिया असे इथे आल्यावर वाटते। पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्या गच्च झाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे, मीन्स आपने अगर देखा होगा कभी आप गए होंगे किसी भी जगह पे ऐसे नेचर में कि बारिश के दिनों में, तो वहाँ पे जो वाटरफॉल्स होते हैं या फिर दरीतील हिरवा रान मीन्स क्या कि जहाँ पे खाई वगैरह होती है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा आपको ग्रीन ग्रीनरी दिखाई देती है, हरे भरे पेड़ पौधे सब दिखाई देते हैं, ढगाळलेले डोंगर, पावसाची संततधार मीन्स क्या बारिश चल रही है कंटिन्यूअसली, मोठमोठ्या दगडांवरून आसूड मारा धावत खळखळात वाहणारे पाणी, मीन्स क्या अगर वॉटरफॉल्स वहाँ पे है या फिर पाणी अगर ऊपर से बहता हुआ आता है तो जोर जोर से वो आवाज़ भी करता है। असे निसर्गाचे विहंगम दृश्य डोळ्यासमोर येते आणि नजरेचे पारणे फिरून जाते। नजरेचे पारणे फिरणे मीन्स क्या कि आँखों को काफ़ी सुंदर ऐसा दृश्य हमें वो दिखाई देता है। त्या पावसाळी वातावरणात भजी वडे चहा असा चमचमीत मेनू मजबूत चपायला वरंदा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी दुसरी जागा नाही। तो मोस्टली जहाँ पे लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पे ये सब कुछ तो हमें दिखाई देता है बारिश के दिनों में। श्री वाघजाईच्या सोबतीने उभारलेल्या टपऱ्यांमधून हा राजेशाही खाना अगदी ताजा तयार केला जातो, क्योंकि गरमागरम अगर देंगे तभी तो लोग शौक से खाएंगे। गरमागरम कांदा भजी, आला लसूण घालून तळलेला गरमागरम बटाटे वडा आणि सोबत वाफळलेला चहा, तो देखिए मुंह में पानी आ जाएगा ये सब सुन के, और सच में ऐसे लगता है ये सब पढ़ के कि हम लोग वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बाहेर बरसणाऱ्या पावसाकडे पाहत या गरमागरम मेनूचा आस्वाद घेत रानवाऱ्यांचं घोंगावणं ऐकत, मीन्स रानवाऱ्यांचं घोंगावणं मीन्स क्या कि वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, जंगल होता है या फिर जो भी डोंगर दरी हम जिसे कहते हैं, तो वहाँ से जब हवा गुजरती है तो उसका एक अलग ही आवाज़ आता है जोर से। विजेचं लखकणं चमकणं आणि कडाडणं मनाच्या हार्ड डिस्कवर स्टोर करत कसा वेळ जातो तेच कळत नाही। बराच वेळ गेल्यावर थोडंसं भिजावंसं वाटतं, पाय मोकळे करावेसे वाटतात, थोडं डेअरिंग करावंसं वाटतं। जर असं खरंच वाटत असेल तर इथे अशा जिगरबाज भटक्यांसाठी कावळ्या किल्ला सज्ज आहे। तो यहाँ पर एक किला भी है कि अगर आपको सच में ट्रेकिंग पसंद है या फिर जो किले होते हैं उनको देखना पसंद है तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हो। कावळा किल्ला तसा बराच मोठा आहे, तो फोडूनच वरंदा घाटाचा शेवटचा टप्पा तयार केला आहे, मीन्स जो किल्ला है उसको फोड के ही वहाँ पे जो वरंदा घाट का लास्ट जो हे पार्ट वो बनाया गया है। श्री वाघजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात डोंगर माथ्याजवळ 9 टाक्यांचा समूह आहे, कोणे एकेकाळी तो कावळ्या किल्ल्याचा एक भाग होता। भजी वडे चहाच्या टपऱ्यांच्या बाजूने अवघ्या 10-15 मिनटातच इथं जाऊन पोहोचता येते। तो देखिए मतलब यहाँ पे वरंदा घाट अगर आप जाते भी हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखने की जैसे है वो भी उन्होंने बता दिया है। पाण्याला जीवन का म्हणतात ते इथे आल्यावर कळतं। काळेश्वर पाषाणात खोदलेली पाण्याची ती टाकी कित्येक वर्षे कित्येकांचे तहान भागवत असेल कोण जाणे, क्योंकि देखिए जब पहले किले होते थे तो वहाँ पे पानी को स्टोर करने के लिए क्या होता था, पाषाण मीन्स क्या दगड़, तो दगड़ में क्या किया जाता था उसे खोद के उसके बाद टाके के जैसे बनाया जाता था और वहाँ पे पानी स्टोर करके फिर उसे पीने के लिए यूज़ किया जाता था। ओल्या वाटेने परत जाताना अंगावरचे कपडे हमखास रंगतात, कारण पाय वाटच तशी रंगिली आहे, क्योंकि जंगल का हिस्सा हम कह सकते हैं या फिर वहाँ पे पूरे मिट्टी के अगर रोड है तो उनके कारण क्या होगा कि कीचड़ पूरा हमारे कपड़े जो होते हैं कीचड़ से खराब हो जाएंगे या फिर रंग जाएंगे ऐसे यहाँ पे कहा है। परत एकदा आपण डांबरी रस्त्यावर येतो, उजव्या हाताच्या वळणावर कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पायवाटेने नजर स्थिरावते। बांधीव पायऱ्या पार करून अरुंद पायवाटेने कारवीच्या झाड्यातून हृदयाची धडधड वाढवणारा ट्रेक सुरू होतो। अभी ये ट्रेकिंग
करने वाले जो लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसे जगह पे जहाँ पे पूरा मिट्टी का रास्ता होगा या फिर किला होता है, काफ़ी ऊंचाई पर अगर आपको चढ़ना होता है और बारिश के दिनों में तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मिट्टी के जो रास्ते होते हैं उनके ऊपर चलना काफ़ी मुश्किल होता है। कीचड़ में चलना तो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि पैर फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वरंदा घाटाच्या उत्तरेला पसरलेल्या डोंगराच्या सोंडेवरून जाताना डावीकडे खाली वरंदा घाटाचा कोकणात उतरत जाणारा वळणावळणाचा रस्ता दिसतो। तो यहाँ से ऊपर की जगह पे अगर हम खड़े रहेंगे तो फिर ये घाट जो होता है, जो रास्ता होता है, वो सही तरीके से हमें दिखाई देता है। इथून पाय सटकला की थेट समर्थांच्या शिवथरघळीत, तेव्हा जर कोकणात जायचं नसेल तर देशावरच्या मातीत सावधपणे पावलं टाकत टाकत जायला हवं। मीन्स कोकण जाने के लिए रास्ता है, लेकिन यहाँ से अगर पैर फिसलेगा तो डायरेक्टली आप नीचे चले जाओगे, तो ऐसे उन्होंने कहा है। डोंगरधारेच्या कड्यावरून जाणारी अरुंद पायवाट एका सपाटीवर येऊन थांबते, तशी सपाटी ही अरुंद। तो ये जो जाने के लिए थोड़ी सी जगह है या फिर रास्ता है वो एक जगह पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ज़मीन है ऐसे कि जहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं आसानी से, लेकिन वो भी काफ़ी छोटी है। तिथून पुन्हा एकदा कारवीची झाडी बाजूला करत करत शेवटी एका टेकाडाची उतरण उतरून अखेरची चढाई समोर येते। इथून वरंदा घाटाचं मस्त दर्शन घडतं। डोंगराच्या सोंडेच्या शेवटी जोत्याचे अवशेष आणि ढासळून गेलेल्या बुरुजाचे अवशेष दिसतात, क्योंकि किला है तो उसके साइड में जो बुरुज वगैरह होते हैं वो भी आपको वहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि अभी अवशेष मीन्स क्या वो खराब हो चुके हैं या फिर गिर चुके हैं। कोकणातला निसर्ग पाहत काही वेळ इथे शांत उभं राहायला हवं, निसर्ग गीत अनुभवायला हवं। परतीच्या प्रवासात डोळ्यात साठवलेले ते पावसाचे चार क्षण, अरुंद पायवाटेवरून अनुभवलेला तो थरार, कारवीच्या झाडाचे ते काडकन मोडणं आणि त्याचा आवाज ऐकून काळजात लख होणं आणि लगेच त्यातून सावरणं, हे सारं काही आठवत राहतं। क्योंकि किसी भी जगह पे आप जाओगे और एक नया एक्सपीरियंस लेते हो तो बाद में आपको सारी चीज़ें याद आती है, सारी मेमरीज आपको हमेशा के लिए याद आता है। हसता हसता रडवणारा आणि रडत रडत हसवणारा हा ट्रेक एन्जॉय करायचा असेल तर वरंदा घाटाच्या दिशेने आपल्या गाडीची चाकं वळवायला हवी। हसता हसता रडवणारा मीन्स क्या की आपको यहाँ पे अच्छा तो लगेगा, लेकिन अगर पैर फिसल गए तो आपकी जान भी जाने की संभावना यहाँ पे होती है। तो इसीलिए कि हंसते हंसते आप कुछ सीख भी सकते हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जिसमें आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़े तो वहाँ पे रोना भी पड़ सकता है। तो कुछ इस तरीके का ये ट्रेक होगा, ऐसे यहाँ पे लेखक ने आपको बताया है। तो जिनको ट्रेकिंग करना अच्छा लगता है या फिर इस तरीके की चीज़ें पसंद है तो वो वरंदा घाट में जाके ज़रूर इस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये लेसन दिया था, आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।